जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपनों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन सा सपना शुभ होता है और कौन सा सपना अशुभ माना जाता है। मित्रों, सोते समय हर किसी को सपने जरूर आते होंगे, लेकिन नींद खुलने के बाद कुछ सपने भूल जाते हैं तो वही कुछ सपने याद रह जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने शुभ होते हैं तो वही कुछ सपनों का मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य से जुड़े हुए होते हैं। स्वप्न अवचेतन मन में चल रहे विचारों के अलावा भविष्य की घटनाओं का भी इशारा देते हैं। कहा जाता है कि सपने में जब कुछ दिखता है तो इसके पीछे कई तथ्य छिपे होते हैं। इन्हीं में से एक तथ्य है मृत्यु का संकेत। लोक के मान्यताओं के अनुसार मृत्यु से पहले इंसान के जीवन में कुछ संकेत आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ये संकेत आपको सपने में भी आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। आज हम आपको स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जो बेहद अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे सपने मृत्यु का संकेत देते हैं। यदि आपके सपने में ढोल नगाड़े बजने लगे तो समझ जाइए आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, यह शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा यदि आप किसी का मुंडन करते देख रहे हैं तो यह भी अच्छा नहीं है। ऐसे सपने देखने से रिश्तेदारों में किसी की मौत का इशारा देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी स्त्री को बिना कपड़ों के देखना अशुभ संकेत होता है। कहा जाता है कि इससे मौत नजदीक आती है। सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो इससे बेहद शुभ माना जाता है। वही अगर सपने में अपने भगवान की टूटी हुई मूर्ति देख ली है तो इससे अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको कहीं से बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर कोई वृक्ष बहुत ऊंचाई से गिरता है, इसका मतलब होता है मृत्यु आपके नजदीक है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की जानकारियाँ और अपने हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्यौहार, पूजा पाठ, वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के बारे में रेगुलर बेस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।